मैं पूरी तरीके से एग्री हूँ कि पब्लिक कर्फ्यू एक अच्छा स्टेप था और एक बहुत ही अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया गया 5 बजे तक। लेकिन 5 बजे के बाद बहुत सारे लोग जिन जिसके लिए पब्लिक कर्फ्यू किया गया था कि लोग इकट्ठे ना हो ताकि इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह, वायरस एक जगह से दूसरी जगह ना फैले। लेकिन 5 बजे के बाद मैं बहुत सारी वीडियोस देख रहा अपने दोस्तों की, स्टूडेंट्स की, वो लोग 5 बजे के बाद जब वो थाली बजा रहे तो वो एक दूसरे के साथ आ रहे, एक दूसरे से बात कर रहे एंड ऑल, यू नो व्हाट आई डूइंग मैन। इवन बहुत सारे लोग, उनको तो ये तक पता नहीं कि हम थाली बजा क्यों रहे, वो सिर्फ अपने मज़े के लिए बजा रहे। छोटे बच्चे अपने मज़े के लिए थाली बजा रहे। लुक, हम इंडियंस को एक चीज़ आदत डालना चाहिए, वो है कि हमें पहले समझना चाहिए कि हम किसी चीज़ को क्यों कर रहे हैं और उसके बाद हमें वो चीज़ करना चाहिए। हमें इस तरीके से नहीं, चाहे किसी ने भी बोला, पहले समझना ज़रूरी है कि हमें वो चीज़ बोला गया तो उसके बोलने का रीज़न क्या था। अगर हम थाली बजा रहे, हम कोई बर्तन बजा रहे, उसका मतलब ये था कि हम रिगार्ड्स कर रहे हैं अपने किसी जो हेल्थ वर्कर हैं उनको, अपने किसी जो भी हमारे लिए हेल्प कर रहे हैं, पब्लिक जो हेल्प कर रहे हैं या पब्लिक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो हेल्प कर रहे हैं, डॉक्टर, नर्सेज, उन सभी के लिए हम उन सभी के वर्क को अप्रिशिएट कर रहे थे। लेकिन लोग सिर्फ मज़े के लिए बजा रहे हैं, मतलब मजे के लिए, यू नो व्हाट, दे आर जस्ट बीटिंग द ड्रम्स एंड बीटिंग द प्लेट्स एंड एवरीथिंग। या सो ये सिर्फ इसके लिए नहीं बोलूँगा जो आज की चीज़ है। अभी मुझे जहाँ तक लगता है तो ये कर्फ्यू बहुत लंबा चलने वाला है, तो सभी लोगों को सिर्फ इसलिए बोलूँगा कि कोई भी चीज़ आप करें तो समझ के करें, सिर्फ व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड देख के उस चीज़ पे बिलीव ना करें, समझें और उसके बाद उस चीज़ को करें। जब तक आप नहीं समझोगे तब तक कोई भी आपका किधर भी उल्लू बना देगा। आपको चीज़ें समझ आना चाहिए कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ, अगर मैं किसी की बात सुन रहा हूँ तो मैं क्यों सुन रहा हूँ। सिर्फ इस वजह से कि कोई हायर पोस्ट पे उसकी हर एक बात सुनना, दैट्स नॉट अ रीज़न। हाँ, अच्छा इंटेंशन था, लेकिन लोग सिर्फ बिना सोचे समझे जो बोला गया ब्लाइंडली उसको फॉलो करते गए। उनको रिगार्ड्स अगर करना है तो उनको डॉक्टर या नर्सेज कहीं पे मिलते हैं, उनको थैंक यू बोलो के साथ, वो भी आप कीजिए, लेकिन साथ में उनको थैंक यू बोलिए। जो सोशल वर्क के सफाई कर रहे हैं उन लोगों को थैंक यू बोलो। सो वो मेन वर्क है। जब कोई सुन नहीं रहा तब मतलब कुछ एक चीज़ें हो सकती है जहाँ पे मुझे लगता है कि लोगों को ब्लाइंड फॉलो करना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें समझ सकते हैं वो समझना चाहिए, राइट। अभी तो मुझे जहाँ तक लग रहा है काफ़ी दिन ये रुकने वाला है। काफ़ी स्टडीज़ में देख रहा हूँ तो 14,000 नए केसेस आए हैं यूएसए में, और जो मैक्सिमम इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो अभी इंडिया के बारे में वरीड है, क्योंकि इंडिया अभी स्टार्टिंग 3rd और 4th वीक में, और उसके बाद 5th और 6th वीक बहुत क्रूशियल होने वाला है कि हम कितना इसको रोक सकते हैं। तो स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड जस्ट ट्राई दैट यू डोंट गेट कॉन्टेक्ट इन मोस्ट ऑफ द आउटसाइड पीपल। थैंक यू, दिस साइड अभिषेक, कीप वॉचिंग, विल बी अ लॉट ऑफ वीडियो विल बी कमिंग सून। थैंक यू।